मेडी खड़े हो या बहुत ही अच्छा माहौल चल रही है। ये देखो को लेके और आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। हेलो नमस्ते खुलुमबाई उलगिरा सॉन्ग उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक है। आज हम आए हैं बिशुन यानी कि कलागुरु विष्णु प्रखाद राभा की मृतक की तिथि की पूजन यो की गोलपारा डिस्ट्रिक्ट की गोजापारा दाबांगपारा जो स्थान वहीं पे जो पूजन रखे गए हैं वहीं पे हम अभी आए हैं। अभी ये पोस्टर में देख सकते हो आप सब लोग। यहाँ पे मैं मौजूद होने के साथ साथ आप लोगों को भी अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करूँगी जितना हो सके। तो वीडियो में जुड़े रहना और बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ और सुबह का जो ये प्रोग्राम चल रही है ना ये कार्यक्रम फ्लैग होस्टिंग जो कि हमारे राभा लैंग्वेज में बोलते हैं उसे फुरफुरा जो राष्ट्रीय संगीत जनगण में जिस तरह से गीत है ना उस तरह से राभा कल्चर में भी हमारे भाषा का गीत है जो ही ये जो फ्लैग होस्टिंग्स की माध्यम से इन लोग परफॉर्मेंस करने वाले हैं सारों और जो लड़का लड़कियां देख रही हो ना उस गीत के माध्यम से। इन व्यक्ति के बारे में तो आपको पता ही है हमारे असम की हिस्ट्री में इनका गुण संपूर्ण प्रतिभाशाली इसकी जो कला है ना उसका तो अनन्य ही है। और धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ रही है इस तरह से। दोस्तों हम बचपन से सुनते आए हैं उनके बारे में और किताबों में भी पढ़ने को मिला और मेरा जितना दूर ज्ञात है उसका पूर्व पुरुष जो है ना वो बोडो कोसारी कल्चर में जो कम्युनिटी में से था उनका परिस्थिति ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें राभा टाइटल लेना पड़ा। इन सब बातें उनकी जन्म की किताबों में लिखे थे आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो और मेरे इतना सफाई देने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को तो पता ही है। तो उनका जन्म हुआ था 1931 जनवरी बृहस्पतिवार ढाका शहर में। हमारे मुल्क के लिए वो कितना नेक काम कर गए हैं उसको तो हमारे मुंह से शब्द में कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। इस अनुष्ठान के माध्यम से मेरे देह दिल से बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम जो हमारे सब पे कृपा बनाए रखे वो जहाँ कहीं भी है तो हमारे लिए तो भगवान की स्वरूप ही है। तो यही बोल के मैं आज दो तीन चार बातें आप लोगों से कह रही हूँ तो आप लोग कुछ भी गलत मत समझिए। और दोस्तों हमारे भाषा की इन गानों में कितना गहराई है ना आप लोग सुन सकते हो जो मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन आप लोग तो ये लैंग्वेज सब लोगों को आता नहीं होगा लेकिन फिर भी आप लोग को आओ भाव तो समझ में आए होंगे। इस अनुष्ठान में उपस्थित होकर खुद को बहुत ही लकी और भाग्यशाली मानती हूँ। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था लेकिन सब लोग कितनी दृढ़ता से ये कार्यक्रम निभाया और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राभा संघ के सिफ को जो कि गोलपारा डिस्ट्रिक्ट की राभा संचालन था राभा महिला परिषद उद्योग तथा दारका आंचलिक राभा संचालन था। महिला परिषद के उद्योग में ये कार्य अनुष्ठान रखने के लिए और जहाँ पे ये अनुष्ठान हुआ उस अंचल वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इतनी अच्छे से ये मीटिंग अटेंड करने के लिए। ऐसे ही हमें अपने मुल्क के लिए और अपने कल्चर के लिए सब लोगों को ऐसे एकजुट होकर काम करते जाना पड़ेगा तभी हमें आने वाला कल नव प्रजन्म हमारे बच्चे लोगों से ये परिचित करने चाहिए महान व्यक्ति के बारे में। क्योंकि जो भी बातें ना जानने का कुछ भी गलत नहीं लेकिन जो लोग सीखना नहीं चाहते हैं वो तो बहुत ही गलत है। तो इसीलिए हम सीखने का कुछ भी उम्र नहीं मैं इतना एक्सपर्ट नहीं लेकिन सीखने से मुझे ताल्लुक है और अभी तक मैं सीख ही रही हूँ। और धीरे धीरे संगीत और कार्य समाप्ति की ओर से तो दोस्तों आप लोग बोर हो गए होंगे फिर भी विनती करूँगी वीडियो में जुड़े रहने के लिए। देखिए
अंचल हासी चाक्षी चाहे टाइम प्रथम कार्य हिसाब से पता उत्तोलन हिसाब से फिलफिला चका रोपन का फिलफिला चका हाबाती टा सामगाय बेबाग्राफ्री जंथने चाकाय और यही कलागुरु विष्णु प्रखाद राभा जो कि महान व्यक्ति मैंने प्रणाम वगैरह कर लिया है तो आप लोग को भी दिखा रही हूँ। और ये जिन लोग मुल्क के लिए शहीद हुए ना उनके लिए यहाँ पे पूजन रखे गए हैं। और हमारे हाफू को देखो कितने वो भी जो बड़े करते हैं ना वही बच्चे लोग भी उनका कॉपी करते हैं। देखो उसका बहुत मतलब वो एंजॉय कर रही है इस समय को लेके। बच्चे लोगों को दीदी लोगों के साथ छोड़ के थोड़ा क्लिप लेने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। और इधर मीटिंग की भाषण चल रही है, हम भी बहुत देर तक मीटिंग सुनी। और इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आसामीज फिल्म की आर्टिस्ट क्रांति मेधी जो की उपस्थित थी। और मैंने ना मुंह में सुपारी खा रही थी। मीटिंग सुनने के लिए बहुत सारा लोग आए हुए थे। एकदम बैठने के लिए एक भी चेयर खाली नहीं था, एकदम हाउसफुल। तो मैं नज़ारा थोड़ा दिखा रही हूँ बाहर का। और इन भैया लोग ना जो दीदी लोग देख रही हो इन लोग यहाँ कार्यालय मतलब जिनको जो चाहिए जो हेल्प के लिए इन लोग खड़े हैं मतलब। और इसे सिस्टर लोग को सब लोग को मिल लिया यहाँ पे देखो तो बहुत ही अच्छा लगा। और सब लोग को बैठने के लिए देखो जगह भी नहीं, खड़े होके मीटिंग अटेंड कर रही है सब लोग। और मैं हाफू को लेके ऐसे ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और कितना खुश लग रही है ना हमारे हाफू। और ये तस्वीरें देख रही हो उनकी नाम से ये स्थान जाना जाता है स्वर्गीय धुलूराम राभा जो उनका भी पूजन रखे गए हैं। और ये दीदी लोग को देख रही हो ना ये सब लोग अभी परफॉर्मेंस करने वाले हैं, डांस करने वाले हैं हमारे कल्चर की। मीटिंग
मीटिंग में आए हैं तो मीटिंग की ये किताबें भी हमने ले लिया। और दीदी लोग थोड़ा ये सेल्फी खींचने के लिए बोला मुझे पिक्चर, तो उन लोग को मैं सिखा रही थी किस तरह से पोज देने के लिए। अभी जा रही है खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ खाना पीना की भी व्यवस्था की गई है, तो सब लोग लेके खा रहे हैं यहाँ पे। कोई बैठ के खा रही है, कोई लोग वैसे ही खड़े होके खा रहे हैं। हम भी खाने के लिए आए हैं और लोग कुछ कम था। हम जब आए सब लोग पहले ही खा लिया, शायद हमने तो देरी कर दी। और यहाँ पे पोर्क था और अंडा, इस तरह सा दाल वगैरह सब्जी वगैरह था। और खा पी के हम निकलते हैं और यहाँ अंकल को मिल ली, उससे थोड़ा बातचीत की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गए है, आप लोगों को बोर ही लगे होंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे नए अच्छे अच्छे ब्लॉग में। उम्मीद रखती हूँ आप सब लोग तब तक के लिए स्वस्थ रहेंगे और जितना दर हो सके ये वीडियो को शेयर करें और लाइक। और दोस्तों, मुझे पता ही नहीं चला ये जो भ्रांति मेधी की आर्टिस्ट की पीछे में है ना, वो मेरा फादर इन लॉ था। तो आज के लिए इतना ही।